सड़क पर सफेद और पीले रंगों का क्या मतलब होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं। और जब आप सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि सड़क पर सफेद और पीले रंग का क्या मतलब होता है? सिंगल साइड पीली लाइन। इन लाइनों को कम दृश्यता के साथ भी सड़कों पर देखा जा सकता है और इन लाइनों का मतलब है कि आप किसी भी वाहन से आगे नहीं निकल सकते हैं और किसी दूसरे लेन में नहीं जा सकते और आपको अपनी और ही ड्राइव करने की अनुमति है। डबल सॉलिड पीली लाइन। इस तरह की लाइन आमतौर पर खतरनाक सड़कों पर, टू लेन सड़कों पर उपयोग किए जाते हैं। ये लाइन किसी को भी विपरीत दिशा में जाने वाले ट्रैफिक को लेने में पार करने में रोकती है। टूटी पीली लाइन। सड़कों पर टूटी हुई पीली लाइन रेखाएं बताती हैं कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। टूटी हुई सफेद लाइन। ये भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा बुनियादी निशान होती है और लगभग सभी जगहों पर आपको ये लाइन दिखाई देगी। इन लाइनों का मतलब है कि आप अपनी लाइन को बदल सकते हैं और किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, परंतु आपको यू टर्न लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठोस सफेद लाइन। इन लाइनों का मतलब है कि ये ज्यादातर महत्वपूर्ण स्थानों में बनाई जाती है और इनका अर्थ है कि आपको किसी वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है और आपको एक ही कतार में चलने की अनुमति है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।